नमस्कार, सीनियर किचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको कढ़ी बनाना बहुत ही इजी तरीके से। आज हम कढ़ी की बड़ी बनाने के लिए हमने सोयाबीन का प्रयोग करेंगे और हम इससे ही बहुत बढ़िया सोयाबीन की बड़ी बनाएंगे। और जैसे बेसन कम पड़ जाता है तो समझ में नहीं आता क्या करें, तो हम इसी से आसानी से बड़ी बनाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इससे बनी हुई है बड़ी। तो चलिए, हम इसे पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है, भिगोया था गुनगुने पानी में। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसको फाइन पेस्ट बनाऊंगी। इसका मैं पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि भीगा हुआ है। थोड़ा पानी डाल के हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से इसको पीसा है और आप पानी डाल के इसमें पीस सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल इसका पेस्ट कुछ इस तरीके से चाहिए। ज़्यादा दरदरा नहीं चाहिए, नहीं तो सबको पता लग जाएगा ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो आप अगर सिगरेट रखना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइए। तो हम इसे एक बॉल में लेंगे। मैं इस कटोरी से एक कटोरी बेसन डालूंगी। लमसम जितना मेरा सोयाबीन था उतना ही मैं बेसन डाल रही हूँ। हाफ स्पून में नमक डालूंगी, हाफ स्पून में धनिया पाउडर, हाफ स्पून से भी कम हल्दी पाउडर, हाफ स्पून लाल मिर्ची, हाफ स्पून से भी कम गरम मसाला, हाफ स्पून जीरा साबुत, थोड़ा सा हमने हींग डाला है इसमें। अब अच्छे से हम इसको मिलाएंगे, जैसे पकौड़े बनते हैं उसी तरीके से। अब हम इसको हाथ से बनाएंगे इसकी ग्रेवी। इसमें पानी नहीं पड़ा है, जो हमने बड़ी पीसा था उसी के अंदर जो पानी था उसी पानी से हो गया है। और आप भी ज़्यादा पानी डाल के मत पीसिएगा। जैसे आपका मतलब बिल्कुल बारीक करना है तो थोड़ा ही पानी डालिएगा, इतना ही कि जितना बाद में आप बेसन डाल के आप उसको बड़ी बना सकें। मेरा भी उसी पानी में हो गया, मुझे अलग से पानी नहीं डालना पड़ा। अब हम इसको, ये हमने सारी सामग्री मिला लिए है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ स्पून से भी कम बेकिंग सोडा, जो हम केक में यूज़ करते हैं ना वही सोडा डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको मिला लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, अब मैं इसको अभी मीडियम हाई फ्लेम पर, तेल गर्म हो जाने पर मैं इसको बड़ी बना के दिखाऊँगी आपको। और देखना इसे बना के एक बार भी आने टाइम पे एक भी गांठें नहीं आएंगी इसमें। आप कढ़ी में बना के डाल के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी बड़ी बनाते हैं। देखिए, मीडियम पे ही रखा है मैंने गैस, ऐसे हम सारे बड़ी को निकालेंगे। तो देखिए, हमारा ये बड़ी बन रहा है और ब्राउन कलर का हो जाएगा तभी हम इसको निकालेंगे सुनहरे कलर में। हमारा ये बड़ी कुछ इस तरीके से सिक गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। कढ़ी के लिए हमने आधा लीटर छाछ लिया है यानी मट्ठा। इसमें हम डालेंगे 5 चम्मच बेसन, इस चम्मच से जो खाते हैं उसी चम्मच से हम डालेंगे 5 चम्मच। अब हम इसको मिक्सी में मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया है जार में। अब हम इसको रुक रुक के, बस ज़्यादा नहीं इसको मिलाना, सिर्फ मिलाना है स्मूथली, ज़्यादा इसको मतलब फेंटना नहीं है, सिर्फ अच्छे से मिक्स हो जाए बस इतना ही। बंद करके और फिर उसके बाद खोल के इसको ऐसे ही इसको चला चला के मिक्सी जार को हमें पीसना है। तो चलिए मैं इसको पीसती हूँ। कुछ इस तरीके से इसको फेंट लिया है, फिर मैं आपको कढ़ी बनाना भी बताऊँगी किस तरीके से जल्दी बन सकती है आपकी कढ़ी। मेरे पास सूखे कढ़ी पत्ते थे इसलिए मैंने कुछ सूखे कढ़ी पत्ते लिए हैं। मैंने लाल मिर्ची लिया है, एक तेज़पात पत्ता लिया है, हाफ स्पून जीरा लिया है, मैंने इसमें हाफ स्पून से भी कम अजवाइन डाला है, और आधा चम्मच हम डालेंगे मेथी दाना, क्योंकि कढ़ी है तो मेथी ज़्यादा जाएगा उसमें। हाफ स्पून से कम हम सौंफ डालेंगे इसमें भी, हाफ स्पून के लमसम हम डालेंगे हींग। हमारे छौंक तैयार हो गया है, चलिए हम फ्राई पैन रख के तड़का लगाते हैं। और एक बड़ा कटा हुआ मैंने प्याज लिया है, बारीक कटा हुआ है। तो चलिए अब बनाते हैं हम इसको। फोरन डाल के हमने ये गरम कर लिया है। अब इसमें हमने जो भी फोरन के लिए लिया था ये देखिए वो हम डाल देंगे इसमें सारे इकट्ठे। आप कभी भी बनाए तो आप सारा इकट्ठा करके रख लीजिए और डालिए, तेल से याद भी रहता है, इंसान भूलता भी नहीं है। फोरन ब्राउन हो गया है, हम प्याज डाल, देखिए ये प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें गैस को स्लो कर लेंगे। एक स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून
लाल मिर्ची और हाफ स्पून से भी कम गरम मसाला। अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा भूनेंगे जिससे ये अपना कलर छोड़ दे। मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकती हैं, जितना आपको तीखा खाना है। ये देखिए हमारा अच्छे से हो गया ये और इसने कलर छोड़ दिया है मिर्ची ने भी और हल्दी ने भी। अब हम इसमें हमने पेस्ट बनाया था मट्ठे का और बेसन का, उसको हम आधा ही डालेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए अब इसमें हम डालेंगे पानी, 2 ग्लास पानी डालूंगी इसमें, ये आधा लीटर पानी हो गया हमारा। अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। देखिए 1 स्पून में नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी इसमें। उसके बाद जब 10-15 मिनट इसमें एक उबाल आने लगेगा तो जो आधा बचा है हमारा बेसन का घोल वो हम डाल देंगे इसके अंदर। मीडियम आंच पे करना है, नहीं तो ये उबल के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि खद्दा आने पे गर्म होने पे जल्दी ऊपर आ जाता है, इसलिए हम इसको मिलाते रहेंगे जिससे कढ़ी भी पानी और मट्ठा है तो हो सकता है फट जाए, इसलिए इसको मिलाते ही रहना है आपको। खद्दा आने लगा है, मैंने इसको सिम कर दिया था गैस को क्योंकि ऊपर आ रहा था उसका उबाल। अब जैसे ये खद्दा आ गया ना, इसमें खद्दा आने लगा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आ रहा है और ये लमसम आधा, मैंने इसे 10 ही मिनट लगाया इसके खद्दा आने में, इससे ज़्यादा नहीं। अब जो बचा हुआ मेरी सामग्री थी मैं इसको भी इसमें डाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अब इसमें बहुत जल्दी ये गाढ़ापन हो जाएगा इसके अंदर, और 10 ही मिनट आप इसको बाद में पकाइएगा। जो 1 घंटा बनाते हैं आप कढ़ी को और आधे घंटे में जो बनाएंगे सेम ही स्वाद लगेगा दोनों में, और बहुत अच्छे से कम टाइम में ये बन जाएगा। कम से कम आपको 20 से 30 मिनट लगता है इस कढ़ी को बनाने में। अब देखिए कितना जल्दी ये गाढ़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा पकाना रह गया है, इससे दूसरा जो हमने डाला था वो भी पक जाएगा अच्छे से। और इसी टाइम पे हम 5 से 6 लहसुन की कली और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैंने पेस्ट बनाया है उसको भी इसी में डालेंगे। हमेशा आप ऊपर से ही डालिए इसको, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है कढ़ी का अगर ऊपर से डालेंगे। और मन हो तो आप डाल के बना लीजिए, नहीं तो आप बिना लहसुन प्याज के भी अगर आप इस कढ़ी को बनाएंगे बहुत टेस्टी बनता है ये कढ़ी। तो देखिए मैं इसको 10 मिनट पकाऊंगी, फिर इस पर मैं दोबारा एक बार तड़का लगा के आपको दिखाऊंगी कैसा बनता है, खाने में कैसा लगता है देखने में भी। और एक बार आप बनाइएगा घर पे और ट्राई कीजिएगा। ये 10 मिनट हो गया इसको भी पकते हुए। अब हम थोड़े देर 5 से 6 मिनट अब जो हमने बड़ी बनाई थी इसको डाल के भी हम थोड़ी देर पका लेंगे ताकि अच्छे से फूल जाएगा। इसमें हम स्लो गैस पे ही इसको पकाएंगे। अब अगर आप छोड़ भी देंगे इसमें नहीं चलाएंगे तब भी ये हमारी कढ़ी फटेगी नहीं, बहुत आराम से पक जाएगी। 5 चम्मच में ही हमने कितने अच्छे से 4 से 5 लोगों के लिए कढ़ी बन के कम्प्लीट हो गई है हमारी। अब इसे थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट इसको चलाएंगे इसमें डाल के इसको, ताकि ये भी बड़ी भी है वो भी फूल जाएगी अच्छे से। देखिए हमारी कढ़ी बनके कंप्लीट हो गई है और कितना अच्छा कलर आया है इसका, और हमारी बड़ी भी फूल गई है इसके अंदर। मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी कढ़ी बनके कितनी इजीली तरीके से बनके तैयार हो गई है, और आप भी बनाइए घर पे और खाइए। अब मैं इस बड़ी को आपको काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये। तो देखिए मैं इसको काट के दिखाती हूँ कितना स्मूथली ये कट गया और कितना फ्लफी हुआ है। देखिए बिल्कुल भी इसमें गांठे नहीं है और बहुत अच्छे से बनता है ये। जब भी आप सोयाबीन और बेसन को आप फेंटेंगे तो थोड़ा बहुत फेंटना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम मिलाया और डाल दिया, जैसे मसाले के साथ में सारा डाल के और अच्छे से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से स्टेप से फेंटना है। उसके बाद आप अपनी बड़ी को बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन आप चाहें कि मतलब बिल्कुल मिलाया और ऐसे ही डाल दिया तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती है, इसलिए प्रॉपर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर चलिए बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो लीजिए हमारा कितने इजी तरीके से कढ़ी बनके तैयार हो गया। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।